हेलो एवरीवन दिस इज़ वंदना एंड टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर नाइन ऑफ क्लास यूकेजी द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ट्रैफिक लाइट्स व्हाट इज़ ट्रैफिक लाइट्स ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं ट्रैफिक लाइट्स कैन बी सीन एट द क्रॉसिंग ऑफ रोड्स इन बिग सिटीज बेटा आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कहीं बिग सिटी में गए होंगे या फिर कभी आपने यहाँ पर भी देखा होगा तो क्या होता है रोड के साइड में ट्रैफिक लाइट बनी रहती हैं ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है जब आप लोग रोड पर गाड़ी चला रहे होते हैं तो उस टाइम पे कुछ लाइट्स वहाँ पे बनी होती वो आपको क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं कि, कि किस टाइम पे आपको रुकना है और किस टाइम पे आपको स्टार्ट करना है ट्रैफिक लाइट इसीलिए लगी होती हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए ठीक है और ट्रैफिक लाइट को देख करके सारे बच्चे सारे लोग ये पता कर लेते हैं कि किस टाइम पे हमें रुकना है या किस टाइम पे किस साइड से गाड़ी आ रही है ठीक है सबसे पहले आप लोग ट्रैफिक लाइट की पिक्चर को देखिए अपनी बुक में देखिएगा आप सभी के पास बुक है यहाँ पे ट्रैफिक लाइट की पिक्चर दे रखी है फर्स्ट कौन सी लाइट है रेड लाइट रेड लाइट मीन्स स्टॉप सेकेंड इज येलो लाइट येलो लाइट मीन्स वेट एंड थर्ड इज ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट मीन्स गो इट मीन्स अगर आपको रेड लाइट दिखाई दे रही है रेड लाइट का इंडिकेट है तो उस टाइम पे क्या होगा आपको रुकना पड़ेगा अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको उस टाइम पे रुकना पड़ेगा सेकेंड क्या है येलो लाइट येलो लाइट मीन्स कि जब आप रुक गए हैं तो आपको क्या करना है थोड़ी देर वहां पर वेट करना है और जैसे ही फिर ग्रीन लाइट चलेगी तो उसके बाद आपको क्या करना है गो मतलब जाना है उसके बाद ठीक है बच्चों रेड लाइट आपको पता लग गया रेड लाइट मीन्स स्टॉप येलो मीन्स वेट एंड ग्रीन मीन्स गो और ट्रैफिक लाइट क्यों बनी होती है ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो ओके नाउ लर्न द राइम लर्न दिस राइम इन बुक बाउट ट्रैफिक लाइट स्टॉप सेज द रेड लाइट गो सेज द ग्रीन वेट सेज द येलो लाइट ट्विंकलिंग इन बिटवीन वंस अगेन स्टॉप सेज द रेड लाइट गो सेज द ग्रीन वेट सेज द येलो लाइट ट्विंकलिंग इन बिटवीन जैसे कि मैंने आपको पिक्चर दिखा के बताया था ना कि जो स्टॉप मतलब अगर आपको रुकना है तो वो कौन सी लाइट बताती है रेड लाइट और अगर आपको चलना है जाना है तो वो कौन सी लाइट बताएगी ग्रीन लाइट और अगर आपको वेट करना है तो कौन सी लाइट बताएगी येलो लाइट और येलो लाइट आपकी हमेशा क्या होती है रेड और ग्रीन के बीच में होती है ओके okay? एक बार फिर से आप लोग इस राइम को पढ़ेंगे स्टॉप सेज द रेड लाइट गो सेज द ग्रीन वेट से येलो लाइट ट्विंकलिंग इन बिटवीन और प्राइम के साथ साथ आपको क्या दे रखी हैं दो गुड हैबिट्स भी दे रखी हैं गुड हैबिट्स क्या होती है? अच्छी हैं अच्छी आदतें फर्स्ट इज ऑलवेज गो विद योर एल्डर्स इफ यू नीड टू गो आउट ऑन द रोड हमेशा अपने एल्डर्स मतलब बड़ों के साथ जाओ अगर आपको रोड क्रॉस करनी है या फिर रोड पे जाना है एंड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ जब भी आप जाओ तो हमेशा किस पे चलना चाहिए फुटपाथ पे फुटपाथ क्या होता है रोड के साइड में बना रहता है और वहाँ पे कभी भी गाड़ी नहीं आती है ठीक है तो कौन कौन सी है गुड हैबिट एक तो हो गई कि ऑलवेज गो विद योर एल्डर्स इफ़ यू नीड टू गो आउट ऑन द रोड एंड सेकेंड इज ऑलवेज वॉक ऑन दी Footpath. Okay, student, do it in your uh, book. Okay, thank you.